2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध रह गया। इसके बाद अभिनेता की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने ई टाइम्स टीवी के साथ इस बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट नहीं करने का फैसला क्यों किया। एक्ट्रेस ने बताया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिवंगत अभिनेता के साथ साझा किए गए बॉन्ड को दिखाने में विश्वास नहीं करती हैं। काम्या पंजाबी ने कहा, मैं सिद्धार्थ के बहुत करीबी थी, हमने बहुत सारी पार्टियां की है। बाकी एक्ट्रेस की तरह मैंने इंस्टाग्राम पर ये नहीं दिखाया कि हम कितने क्लोज थे या हमने लास्ट कब बात की थी। जब सब खत्म हुआ मैं उनके घर गई, लेकिन मैंने उनकी माँ के साथ अपनी बातचीत सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की। काम्या पंजाबी का कहना है कि जिसने अभी तक अपनी मृत्यु की इच्छा पूरी नहीं की है, अगर वो उससे नहीं मिली होती तो उसे उसकी असामयिक मृत्यु का दुख नहीं होता। काम्या ने कहा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्यों हुई वो दोस्ती, अगर नहीं होता तो इतना दुख और इतनी तकलीफ नहीं होती आज। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है कि मैं अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई हूं। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वो यहां नहीं है। मुझे अभी भी लगता है वो कभी भी फोन करेगा और हम घंटों बात करेंगे। एंटरटेनमेंट दुनिया की हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।